सभी भक्तजन शोकाकुल अवस्था में बैठे हुए हैं, तभी अपने मन में रोष भरे हुए नाग देवता प्रकट होते हैं और उस नागनी की परिक्रमा जैसे ही लेते हैं तो भक्तजनों के मुंह से एकदम ओ जय शिव ओम मुख से बोलिए पछतावे मन मत व्यर्था डोलिए हो पछतावे मन मत व्यर्था डोलिए हो जय शिव ओम मुख से बोलिए पछतावे मन मत व्यर्था डोलिए हा पछतावे मन मत व्यर्था जो बाजीदपुर के दो चौधरी साहब हैं जिनकी जगह में यह करिश्मा हो रहा था और आके बोल देते हैं कि मेरे इस 40 बीघे के चक में से जितनी भी जमीन चाहिए उतनी जमीन लेके यहां शंकर भगवान का मंदिर बना दिया जाए। वो शंकर के जपे से हो जा शंकर के जपे से हो जा आनंद में संसार का स्वामी है शंकर श्याम है वेद की वाणी और दुनिया हो जानी रे ओ या दुनिया हो जानी रे हम कहबे होलिए रघुनाथ बसेरा रात का करके उड़ जा गोलिए ओ जय शिव जय शिव जय शिव ओ का तांता लग जाता है वहां मंदिर बनाने के लिए। कोई फजल्लापुर के लाला, कोई जोहड़ी के लाला, कोई बड़ौद के लाला, कोई बावली के, कोई सिनोली के, किन किन लोगों ने उस मंदिर को बनाने में दान दिया और किस तरीके से आखिरी दाह संस्कार दफन किया गया उस नागन को, और उसके बावजूद आज तक उस शंकर भगवान के मंदिर का निर्माण किस प्रकार चल रहा है, बाकी भाग दो में आप सुनेंगे।